हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू सम टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग अंडर आइडेंटिटिकल कंडीशन इन विच आउटकम्स इज नॉट यूनिक बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। इट मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है बेटा जिसमें कुछ कंडीशन के अंडर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जो रिज़ल्ट आता है वो सेम नहीं होता, बट सभी के अनपॉसिबल होने के चांसेस सेम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकंड वन इज़ ट्रायल। बाय ट्रायल यू वी कैन मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रायल। नेक्स्ट वन इज़ इवेंट। कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड इवेंट। जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इवेंट। एंड नेक्स्ट इज़ आउटकम्स। अ रिज़ल्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंट इज़ नॉन एज इट्स आउटकम्स। जो इसके रिज़ल्ट आते हैं एक्सपेरिमेंट के उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटकम। एंड नेक्स्ट वन इज़ सैम्पल स्पेस डायग्राम। सैम्पल स्पेस डायग्राम ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस डायग्राम। जितने भी आउटकम्स आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस डायग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक क्वाइन को टोस किया। टोसिंग अ क्वाइन एक एक्सपेरिमेंट है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल दोनों क्या हैं, इवेंट। सेम जब मैं टू क्वाइन टॉस करूँगी बेटा, व्हेन वी टॉसिंग टू क्वाइंस, तो आपके पास फोर केस होंगे। फोर केस कौन कौन से, दोनों हेड पॉसिबल हैं, दोनों टेल पॉसिबल हैं, वन हेड वन टेल, वन टेल एंड वन हेड। नेक्स्ट व्हेन आई थ्रोइंग रोलिंग अ डाइस। रोलिंग का डाइस है बेटा लूडो वाला डाइस जिससे हम सभी अपने घर में खेलते हैं, या तो वन आएगा या टू आएगा या थ्री या फोर या फाइव या फिर सिक्स। अब इसमें बेटा ओड नंबर्स की बात की जाए, 1 2 3 4 5, इवन नंबर 2 4 6, प्राइम नंबर 2 3 5, गेटिंग एनी नंबर से 5 इज एन इवेंट एंड सो ऑन, वो एक इवेंट होगा और इसी तरह आगे चलता जाएगा। अब हम डाइस की बात करते हैं, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के पत्ते आप सभी ने देखे होंगे, उनकी बात करेंगे बेटा। उस पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हम फोर शेड में या फोर सूट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन स्पेड, सेकंड डायमंड, थर्ड क्लब एंड फोर्थ वन इज़ हार्ट। हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं बेटा। ब्लैक स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड होते हैं। इट मीन्स 26 कार्ड ब्लैक हो गए, 26 कार्ड रेड हो गए, और 13 कार्ड स्पैड के ब्लैक होंगे, 13 कार्ड क्लब के ब्लैक होंगे। उसी तरह 26 रेड कार्ड हैं जिनमें 13 रेड कार्ड डायमंड के होंगे एंड 13 रेड कार्ड हार्ट के होंगे। अब इनके अंदर सभी में बेटा 4 एस होते हैं, यानी कि 1 एस होता है स्पैड में, 1 डायमंड में, 1 क्लब में, 1 हार्ट में। उसी तरह 4 किंग होते हैं सभी में, 1 1, 4 क्वीन होते हैं एंड 4 जैक होते हैं। ओके, अब जो किंग क्वीन और जैक हैं बेटा, हम इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक पिक्चर सी बनी हुई होती है। नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकल मेजरिंग द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर फॉर द सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। मीन्स द फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। भी जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए है वो आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, और जो टोटल आउटकम्स हैं दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोबेबिलिटी आई वांट टू टेल यू टू एंड थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़
प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 और 1. 0 हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, बट 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइक करेगी. सेकंड वन, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. थर्ड वन, श्योर इवेंट होता है बेटा. श्योर इवेंट का मतलब होता है कि आपका काम होगा ही होगा, आप श्योर हैं, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी होती है 1. और एक होता है बेटा इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, उस कंडीशन में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 0. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज, 1 अनबेस्ड डाई इज टॉस्ड. फर्स्ट पार्ट है राइट द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. फर्स्ट पार्ट में आपको सैंपल स्पेस लिखना है. सैंपल स्पेस एक डाई है. डाई को एक एन अनबेस्ड डाई इज टॉस्ड, देन सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 6 हो गए. अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ग्रेटर देन 4. सो नंबर्स ग्रेटर देन 4 आर 4 और 6, 2 ही नंबर हैं. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2. सो ये ध्यान से बेटा लिखते कैसे हैं, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ की जगह ब्रैकेट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 2/6, दैट इज 1/3. इन द सेम वे इन सेकेंड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 एंड कंपोजिट नंबर. अब बच्चा एक डाई को थ्रो किया गया है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालनी थी. फर्स्ट पार्ट में नंबर 5 1 ही है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इसमें, 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6. इन द सेम वे सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालना है. नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज 3. 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 3/6, दैट इज 1/2. थर्ड पार्ट में कंपोजिट नंबर निकालना था बेटा. नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 4 होगा और एक 6, तो ये 2 हो गए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज 2/6, दैट इज 1/3. और नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपको निकालने हैं मल्टीपल ऑफ 3. सो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 होगा और 6 होगा, 9 नहीं होगा, बाई मिस्टेक लिख दिया गया है 3. आपके पास यहाँ पे होंगे 2 नंबर आएंगे मल्टीपल ऑफ 3 में. सो फेवरेबल केस हो जाएंगे 2. सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, दैट इज 1/3. 9 नहीं आएगा क्योंकि डाइस में 1-6 तक ही नंबर होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो गए सारे पार्ट्स हो गए इसके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू राइट द सैंपल स्पेस फॉर व्हेन अ डाई इज थ्रोन. डाई को थ्रो किया गया है. डाई इज थ्रोन सो सैंपल स्पेस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग इवेंट. इवेंट जो लिख रखे हैं उनके लिए आपको आउटकम्स कौन कौन से होंगे. फर्स्ट पार्ट में है अ प्राइम नंबर. सो आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5. सेकेंड है नॉट अ प्राइम, जो प्राइम नहीं है 1, 4, 5. सो आउटकम्स ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर. थर्ड में है अ नंबर ग्रेटर देन 5. सो आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर होगा 6. नेक्स्ट में नॉट ग्रेटर देन 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स. आपके पास 20 बल्ब्स हैं कंटेनिंग 4 आर डिफेक्टिव, जिनमें से 4 ख़राब हैं. 1 बल्ब ड्रॉ किया गया है रैंडमली बैग में से. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड बल्ब. डिफेक्टेड बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल बल्ब्स हैं बेटा आपके पास 20. नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स हैं आपके पास
4. So probability of getting a defective bulb is 4/20, that is 1/5. सेम इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 5 है. एक बैग में 3 रेड हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, 1 बॉल आपको रेंडमली निकालनी है. फर्स्ट पार्ट में रेड होने चाहिए, सेकंड पार्ट में नॉट रेड. सो क्वेश्चंस देखते हैं. सो नंबर ऑफ रेड बॉल 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 5, टोटल बॉल्स हो गई 5 + 3 = 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल 3/8. नॉट रेड कहा है यानी कि जो रेड नहीं है यानी कि ब्लैक है, 5/8. इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 6 है. ए बैग कंटेन 4 रेड, 5 ब्लैक, 6 वाइट. इतनी बॉल्स हैं, रेंडमली बॉल्स निकालनी है. फर्स्ट में वाइट निकालनी है, सेकंड में रेड निकालनी है, थर्ड में नॉट ब्लैक निकालनी है और फोर्थ में रेड और वाइट निकालनी है. सो स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा. नंबर ऑफ रेड बॉल 4, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 5, नंबर ऑफ वाइट बॉल 6, टोटल बॉल्स 4 + 5 + 6 = 15. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी थी, 6, 6/15 यानी कि 2/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपके पास 4/15. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल, अब जो ब्लैक को हटा देंगे 6 + 4 = 10, 10/15, 5 से कट कर दिया, 2/3 इज योर आंसर. और लास्ट पार्ट में बोला है रेड और वाइट हैं आपके पास, 6 + 4 अगेन 10 है, फिर अगेन आंसर इज 2/3. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा ये भी. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 20. 1 to 20 में से आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए दैट नंबर इज़ अ प्राइम नंबर. सो नंबर्स हो गए नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 हो गए नंबर्स. प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 प्राइम नंबर्स होंगे बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. दीज आर 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 8/20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा. एक स्पिनिंग व्हील है, उसके ऊपर 1 to 8 लिखे हुए हैं. आपको फॉलोइंग नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हमने स्पिनिंग व्हील आपकी हेल्प के लिए ड्रॉ कर दिया. 1 से लेकर 8 हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 1 to 8 की. सो नंबर ऑफ पॉइंट इन द गेम 8 हो गए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट 8, एक ही 8 है, 1/8. नेक्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. ऑड नंबर कितने होंगे, 1, 3, 5, 7. 4 हो गया, 4/8, 1/2. थर्ड में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3. 3 से बड़े कौन कौन से होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 5/8. और फोर्थ पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9. सभी नंबर ऐसे छोटे हैं, सो 8/8, दैट इज 1. क्वेश्चन नंबर 9, एक डाई थ्रो किया गया है बच्चा, उसके 6 फेस पे लिखा हुआ है ABCDEA. सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी. सो बेटा टोटल फेसेस लिख रखे हैं, टोटल फेस 6 हो गए. ए 2 टाइम है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/6, 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी 1 टाइम था, 1/6. क्वेश्चन नंबर 10, नंबर्स 1 to 10 अलग अलग स्लिपेड लिख रखे हैं, उनको एक बॉक्स में डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, फिर बॉक्स में से 1/1 स्लिप निकाली है. फर्स्ट पार्ट में निकालना है गेटिंग अ नंबर 6. अब 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी तो बेटा एक ही निकलेगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज 1/10. सेकेंड में पूछा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. 6 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5/10, 1/2. थर्ड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. 6 से बड़े 7, 8, 9, 10, 4. 4/10, 2/5. और लास्ट में पूछा है 1-digit नंबर. सारे ही तो 1-digit नंबर होंगे 10 के अलावा, सो 9/10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड. 52 कार्ड में से ब्लैक किंग निकालना है बेटा. अब टोटल कार्ड्स होंगे 52, नंबर ऑफ ब्लैक किंग 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग 2/52, 1/26. सेकंड में निकालना है रेड कार्ड होते हैं बेटा 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड 26/52, 1/2. थर्ड में निकालना है ब्लैक 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक 3 2 होंगे,
तो टू होंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/52 यानी कि 1/26। फोर्थ में निकालना है एस, नंबर ऑफ एस होंगे बेटा 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 4/52, 1/13। सेम क्वेश्चन नंबर 12 में 52 पैक ऑफ कार्ड में से ही निकालना है, फर्स्ट में ब्लैक कार्ड, सेकंड में रेड किंग, थर्ड में ब्लैक सिक्स, ब्लैक फेस कार्ड। अब फेस कार्ड आपको बेटा बताए थे 12 में से हाफ ब्लैक होंगे हाफ रेड, सो नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड हो गए 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड 6/52, 3/26। सेकंड में पूछा गया है रेड किंग, रेड किंग तो 2 होंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग 2/52, 1/26। लास्ट में पूछा है ब्लैक 6, ब्लैक 6 अगेन 2 होंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 6 2/52, 1/26। क्वेश्चन नंबर 13, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15 इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 to 15 में बेटा टोटल नंबर्स होंगे आपके पास 15, मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने होंगे, 4, 8, 12, 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4, 3/15, 1/5। सेम ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फर्स्ट पार्ट में 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो नंबर ऑफ 2 टेल्स आपके पास 1 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स 1/4। सेकंड में निकालना है आपको 1 टेल, सो नंबर ऑफ 1 टेल 2 आएंगे बेटा, हेड टेल, टेल हेड, सो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/4, 1/2। थर्ड पार्ट में एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 1 टेल चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज 3/4। सेम फोर्थ में है एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट का मतलब होता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती हैं, 1 से कम होंगी तो दोनों हेड, हेड टेल, टेल हेड, सो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल इज 3/4। दिस इज 10.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।